आज लर्निंग महोत्सव में हम घर में जो वॉल क्लॉक होती है उस वॉल क्लॉक से मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स जानेंगे, इसमें क्या पैटर्न्स होते हैं और उसको हम एंजॉय करेंगे। ये वॉल क्लॉक सभी घर में होती है, इसमें 1 to 12 नंबर्स होते हैं और सेकेंड मिनट और आवर्स की इसमें सुइयां होती हैं और ये कंटिन्यूस मूव करती रहती है। हम सब जानते हैं कि ये 60 टाइम मूव करती है, तो 60 सेकेंड्स में 1 मिनट होता है और 60 मिनट्स में 1 आवर होता है और ऐसे 24 आवर्स में एक पूरा दिन हो जाता है। अब हम इसमें कुछ विशेष पैटर्न्स को देखेंगे। यहाँ मैंने ये एक डायग्राम जो है इसका बनाया हुआ है। अब इस डायग्राम को आप देखिए, इसमें क्या पैटर्न आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ ये 12 है, इस 12 को यदि हम देखेंगे तो 1 and 11 ये 12 होता है, 10, 2 and 10 ये भी 12 होता है, 9 and 3 ये भी 12 होता है, 8 and 4 ये भी 12 होता है, 7 and 5 ये भी 12 होता है और 6 में यदि हम 6 प्लस कर देते हैं तो ये भी 12 होता है। एक और पैटर्न हम यहाँ पर बड़े आसानी से देख सकते हैं, एक और मजेदार पैटर्न आपको दिखाई देगा कि यदि हम इस 12 से 6 को माइनस कर देते हैं, यदि हम इससे माइनस कर देते हैं तो हमारे को क्या मिलता है, 6 मिलता है। 11 में से यदि हम 5 को माइनस कर देते हैं तो हमको 6 मिलता है, 10 से 4 को माइनस कर देते हैं तो भी 6 मिलता है, 9 से 3 को माइनस कर देंगे तो भी 6 मिलता है, 8 से 2 को माइनस कर देंगे तो भी 6 मिलता है, 7 से 1 को माइनस कर देंगे तो भी 6 मिलता है। तो इस प्रकार के मजेदार पैटर्न हमको अपनी वॉल क्लॉक में मैथमेटिक्स के दिखाई देते हैं। अभी यदि हम ये चूंकि एक क्लॉक सर्कल में है, इससे और आगे हम बढ़ते हैं, यदि ये सर्कल को हम यहाँ से कट कर दें, जैसे हमारे पास ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, यदि मैं इसको यहाँ से कट कर दूं और कट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये एक सर्कल था, एक सर्कल को मैंने अभी काटा है और काटने के बाद ये एक स्ट्रेट लाइन हमारे सामने उपस्थित है। अब यदि ये जितने भी नंबर हमको दिखाई दे रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, तो हम इस स्ट्रेट लाइन में लाने के लिए हम इसको देखेंगे। यदि हम इस स्ट्रेट लाइन को देखेंगे तो हमें ऐसे एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। एक स्ट्रेट लाइन हमारा बन जाता है, स्ट्रेट लाइन में 1 to 12 नंबर हमारे को लिखे हुए दिख रहे हैं। ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, यदि हम इन कंसेक्यूटिव नंबर्स को सम करना चाहें तो इसको हम कैसे सम करेंगे। आमतौर पे हम सम करने के लिए 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 इस प्रकार से जितने भी नंबर्स होते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स उनको प्लस करके उनका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पर भी हमको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। पैटर्न क्या है, जैसे ये 12 नंबर्स हैं, यदि हम 12 नंबर्स में से फर्स्ट नंबर एंड 12 नंबर, ये जो 12 है एंड 1 है, इन 12 प्लस 1 को यदि हम प्लस करेंगे तो ये 13 होगा, 2 एंड 11 को हम यदि प्लस करेंगे तो ये भी 13 होगा और इस प्रकार से 3 एंड 10 को करेंगे तो वो भी 13 होगा। कहने का मतलब हम जो स्टार्टिंग वाले नंबर और एंड वाले नंबर को
असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में यदि हम उनको प्लस करते हैं तो उनका सेम जो है सम होता है। तो यदि ऐसा हम करते हैं टोटल 12 नंबर्स हैं तो कुल मिलाकर के इनके 6 पेयर्स बनेंगे, हर एक पेयर का सम कितना होगा 13। तो इसलिए हम 1 to 12 के यदि सारे नंबर्स को सम करना चाहें तो क्या होगा, चूंकि 6 पेयर्स बने हैं और हर पेयर का सम 13 है तो हम 13 × 6 करके इसका आंसर बता सकते हैं। 13 × 6 कितना होता है बताओ, आप बताओ बच्चों। 78, वेरी गुड। तो 78 इज द सम ऑफ द ऑल द नंबर्स इन दिस लाइन। यदि मैं आपसे कहूं कि 1 से लेकर के और 10 तक के नंबर हैं उनका सम करना है तो हम क्या करेंगे, 1 and 10, 11 और 5 पेयर्स बनाएंगे, 11 × 5 = 55। यदि मैं आपसे कहूं कि 1 to 100 इनका यदि आपको सम करना है तो बड़े आसानी से सम कर सकते हैं। सम करने के लिए हमें क्या करना होगा, 101 होगा और इसके कितने पेयर्स बनेंगे, 50 पेयर्स बनेंगे। इन 50 पेयर्स को यदि हम 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5050 एंड दिस इज द सम ऑफ ऑल 1 to 100 नंबर्स। इस प्रकार से हम आसानी से इन पैटर्न्स की हेल्प से कंसेक्यूटिव नंबर्स का टोटल बता सकते हैं। आपके मन में एक प्रश्न आएगा, ये तो इवन नंबर्स हैं, यदि ऑड नंबर्स आ गए तब क्या होगा। ऑड नंबर आने पर भी हम आसानी से ऐसे ही कर सकते हैं। मान लीजिए ये हम यहाँ पर 12 को अभी हटा देते हैं, केवल 11 नंबर्स ले लेते हैं। 11 नंबर लेने पर हम क्या करेंगे, 11 and 1, 12 करेंगे, लेकिन यहाँ चूंकि पूरे पेयर्स नहीं बनेंगे तो जो मिडिल नंबर होगा उसको हमको अभी छोड़ देना है। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 तो 11 + 1, 12 के कितने पेयर बन गए, 5 पेयर्स बन गए। 12 के 5 पेयर्स हो गए तो कितना हो गया, 60, और बाद में इस 6 को हमको प्लस कर देना है तो टोटल हमारा हो गया 66। तो यदि हमारा इवन नंबर्स कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इवन हैं तो हम इक्वल जो पेयर्स बनते हैं उन पेयर्स को जितने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे उतने मल्टीप्लाई कर देंगे और फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को जोड़ करके, और यदि ऑड नंबर नंबर्स हैं तो हम उसमें एक मिडिल वाले को छोड़कर कर सकते हैं। एक दूसरा और तरीका है, जो भी मिडिल में आता है, जो भी मिडिल में नंबर है उस मिडिल से लास्ट नंबर को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो भी यही आंसर आएगा। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ मिडिल में 6 है और यहाँ 11 है तो 11 × 6 = 66। तो ये भी एक तरीका है, यदि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं और वो ऑड नंबर्स हैं टोटल तो हम मिडिल नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर उनका सबका सम आ जाएगा। तो मुझे लगता है आपको ये मजा आया होगा, नई नई चीजें हैं और नई चीज आपको सीखने को मिली है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को हम कैसे सम कर सकते हैं आसानी से। तो आप सबने देखा, सीखा, मैंने भी सीखा, आप भी सीखते रहिए लगातार। मैं वॉल क्लॉक से और मैथमेटिक्स को हम कैसे सीख सकते हैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, उसमें हम ज्योमेट्री को लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।